नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार सागवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। सागवाड़ा शहर की तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए एकता समाचार सागवाड़ा को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एवं हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटे के बटन को दबाएं। धन्यवाद। हाँ बताइए साहब, आपकी क्या समस्या है? कलियाकोट उप सरपंच अरुण शेख। ये हाल में जो रोड रोकने के बाबत में हम आ करके ज्ञापन दिया है जिन साहब को कि कोई कोर्ट द्वारा उनके अंदर की जीत दर्ज हो गई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपील करें वहाँ तक। प्रशासन इस काम के अंदर धैर्य रखे और हमें अपील और हमारे काम से चांस दें कि हम पूरी तरीके से न्याय का मौका मिलना चाहिए। एक मामला यूँ है कि ये सड़क है वो सार्वजनिक है सड़क, और वर्षों से ग्रामीण और किसान लोग इसका उपयोग करते आ रहे हैं। और एक जो दरगाह कमेटी है जो वो कह रही है कि हमारे ये खाते की जमीन है, तो सैकड़ों सालों से हमारा आवागमन का सड़क था, तो उसको ये बाधित कर रहे हैं। और हमने इसके लिए अभी SDM साहब को ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब को भी हम अवगत करा रहे हैं, और इसमें जन आंदोलन किया जाएगा। और हमको हमारी सड़क यथावत रहनी चाहिए, हम इसका उपयोग कर रहे हैं, सैकड़ों वर्षों पुरानी सड़क है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको एक निजी संस्था कैसे इस्तेमाल कर सकती है? जब एक सार्वजनिक संस्था है उसको प्रशासनिक मिलीभगत से एक संस्था विशेष को डाइवर्ट किया जा रहा है, उनको वहां पे उनके खाते की जमीन बताया जा रहा है, तो आज से प्रशासन के पास रिकॉर्ड की कमी है। जो हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं वर्षों से, जो सार्वजनिक PWD सड़क थी वहां पे, अभी दूसरी सड़क तो बाद में बनी है, तो उस पर आवागमन हमारे किसानों का भी है, सैकड़ों किसानों की काश्त की भूमि है हमारे रिंगवाल के उस ओर, और वो सड़क हम किसी भी कीमत पे किसी को भी नहीं देंगे। वो सड़क सार्वजनिक रहेगी, गांव के दूसरी सरकारी जमीनों पर ये लोग काबिज है, उस पर भी हम प्रशासन से अपील करते हैं कि वो तत्काल हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को वहां से उसको अतिक्रमण हटाए और एक आम जन को न्याय दे। दिनेश भाई बताइए, आपके क्या समस्या लेके आए थे आप? सर, समस्या हमारी लगभग 15 से 20 गांवों की जो मुख्य सड़क है, आज से मतलब 100 साल पूर्व हमारे पूर्वज और हम गलियाकोट से जो पहले नगरी थी गलियाकोट, उधर आवाजावा का हमारा मेन सड़क थी, उस सड़क को हमने मतलब विगत 10 साल से हम उसके प्रयत्न में है कि हमारी सड़क हमेशा खुली रहनी चाहिए, और बोहरा समुदाय द्वारा ये सड़क कहीं ना कहीं बंद करने में आ रही है, तो हमारा वही ऑब्जेक्शन है कि सड़क यथावत हमारी रहनी चाहिए। अन्यथा सर बहुत बड़ा कोई मतलब कई क्षति जन आंदोलन नहीं हो जाए और नुकसान नहीं हो जाए सर, यही अपील। पन्नी जी बताइए, क्या समस्या लेकर आए थे आप? समस्या जो इन्होंने दिखाई वही समस्या है, और इसके लिए मैं पहले 95 में लड़ चुका हूँ, मैंने आम अनशन किया, पूरा रोड 10 फीट बंद कर दिया था, फिर प्रशासन ने वापस इसको खुलवाया, उसके बाद से उन्होंने लिखित में दिया था कि हम आइंदा इस रोड को जीवन में कभी भी इस रोड के नाम नहीं लेंगे, उसको सही खुला ही रखेंगे। प्रशासन ने क्या कहा आपको आज आपने ज्ञापन दिया था? मतलब प्रशासन ने सर यही कहा कि वो जो रेवेन्यू कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट जो फैसला दे वही हमको मंजूर है। तो हमारी सर ये अपील है कि अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो विपक्ष को तो सूचना देनी चाहिए, जैसे एक गुप्त तरीके से हुआ, कोर्ट ने अगर फैसला दिया तो जो हार चुका पक्ष को तो मालूम होना चाहिए कि तेरे पक्ष में फैसला नहीं हुआ है। अभी ये कह रहे कि 2018 का मामला आज 2019 हुआ सर, अभी तक मतलब हम गांव वाले और समस्या हम जन को मालूम ही नहीं है, ये अपने कागजी कार्रवाई में अपना कानून बना लिया और हम जीत गए और आज सड़क बंद करने की पोजीशन पे खड़े हैं। समुदाय का सपोर्ट हो रहा पूरा, और कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन एक ही फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये विवाद को जन्म दे रहे हैं, कश्मीर की समस्या बना रहे हैं, जो आम सड़क है उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बना रहे हैं। तो हमारी ये अपील है कि कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं हो, हम ग्रामीण आम जन काम करने वाले लोग हैं, हमको हमारी सड़क चाहिए, हम कोई समझौता इस बाबत नहीं चाहते। जी सर, एक मिनट। सर, हम राज्य सरकार और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमको अपील का पूरा मौका मिले, प्रशासन हम पर कोई दबाव बना के या जल्दबाजी में ऐसा कदम नहीं हुआ है, हमारी सड़क को बंद करने की कोशिश नहीं की,
अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे। हम प्रशासन और राज्य सरकार को ये सचेत करना चाहते हैं। सारे एक गांव का मामला नहीं है ये, आसपास के 20 गांवों का मामला है पूरे और ये मामला नया नहीं है, बहुत पुराना है। पूर्व में भी इस प्रकार के कई विवाद होते रहे। इन लोगों ने इस प्रकार से जब जब सरकारें बदली हैं इस प्रकार का मामला निकाला इन्होंने, कोर्ट में भी ये गलत तथ्य पेश करते हैं। हम राज्य सरकार और प्रशासन से ये इस मामले को गंभीरता से लें और हम आग्रह करते हैं कि इसको हल्के में नहीं लें, इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। बस हम इतना ही कहते हैं, ठीक है, ओके, धन्यवाद। वो ज्ञापन बता, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी प्रशासन की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। न्यायपालिका के न्याय को देखकर आज हमें बहुत दुख हुआ और अफसोस भी हो रहा है कि जो सड़क विगत कई वर्षों से आसपास के 20 गांवों को जोड़ रही है और वह गलियाकोट से होते हुए सिलोई, वणियापुर, सागवाड़ा तक जाती है, उस सड़क को किसी निजी संस्था को देना कहाँ का न्याय है? और गुपचुप तरीके से इसको किसी समुदाय विशेष को दे देना बहुत ही गलत हुआ और लोगों के साथ एक तरह का धोखा हुआ है। लोगों को अंधेरे में रखकर इसको मनमर्जी में अपने नाम से करवाया किसी संस्था ने, तो ये बहुत गलत है और इसके लिए पूरे गांव और आसपास के 15 से 20 गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं और इसका विरोध का खामियाजा भुगतना भी पड़ेगा और आने वाले समय में लोग जन आंदोलन करेंगे और अगर न्याय सही नहीं मिला तो। और इसके लिए हम कोर्ट से भी अपील करते हैं कि इस बार इसकी फिर से सुनवाई करें और लोगों का सही न्याय दे और इस रोड को आवाजाही के लिए सबके लिए सुलभ करवाए और ये सार्वजनिक रोड को सार्वजनिक रहने दिया जाए, ना किसी निजी संस्था को दे। जय हिंद।